दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में रविवार शाम को भीषण आग लगी है। डंपिंग यार्ड से पिछले कई घंटों से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बारा निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश जुटी हैं। दिल्ली फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार शाम करीब 6 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआत में 2 दमकल गाड़ियों को भेजा गया, बाद में 8 और गाड़ियों को घटनास्थल पर भेज दिया गया। इनमें से 4 गाड़ियां डंपिंग यार्ड के ऊपरी हिस्से पर हैं। आग लगने का कारण गर्म और शुष्क मौसम बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गीला कबाड़ दबे रहने से उसमें हीट पैदा होती है, फिर उसमें गैस बनती है जिससे आग लगती है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कचरे के ढेर से धुआं निकलने से आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। लोगों ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।